इंडिया चल रहा है, सब कुछ में स्किल इंडिया चल रहा है, तुमको इसमें नौकरी मिलेगा, तुमको सुविधाएं मिलेगी। पिछले 5 सालों में हम लोगों ने देखा कि इन्होंने कोशिश किया कि ये यंग इंडिया एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ता रहे। इनका मकसद था कि BHU AMU से लड़ाई लड़े, इनका मकसद था कि JNU के खिलाफ सारे लोग लड़ाई लड़े, इनका मकसद था कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है SSC का एग्जाम देते हुए, जिनका जिन्होंने एग्जाम जो एग्जाम देने गए, तैयारी किए और पता चला पेपर लीक हो गया है, वो लोग आपस में अपना भाषा अपना धर्म ये पूछ के लड़ाई लड़े। ये 5 साल तक इनका साजिश चला और पिछले 5 सालों में हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ पे ये साजिश चलाने की इन्होंने कोशिश किया, वहाँ वहाँ से एक तनी हुई उठती उठी और वहाँ वहाँ से ये आवाज़ उठी कि तुम्हारा ये जो हम लोगों को बांट देने का साजिश है, ये काम चलेगा नहीं। वहाँ वहाँ से तनी हुई मुट्ठी उठी और हम लोगों ने तय किया, ये युवा भारत ने एक दूसरे के साथ बात करके, और कब तय की ये भी मैं बता दूँ, सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, एक साथ आपस में बातचीत चल रही थी, जब देश के किसान भारत के राजधानी में 20 किलोमीटर चले और उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से भारत के अन्य दाता के साथ कर्ज में डूबा हुआ है भारत का अन्य दाता, भूखा है भारत का अन्य दाता, और जिस तरीके से वो मार्च हो, उसके बाद ये तय हुआ कि अब युवा भारत भी देश के राजधानी में चलेगा। दोस्तों, कल जो ये मीटिंग हुआ है जिसमें कई 50 से ज्यादा संगठन, ये तो मैं कम बोल रही हूँ, काफी सारे साथी जो आज मौजूद है वो इस नेशनल कोऑर्डिनेशन जो है यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी इसका हिस्सा बनेंगे और कई और संगठन, कई और यूनियन, कई और मूवमेंट्स इसका हिस्सा बनेंगे और आने वाले 7 फरवरी को लाल किला से लेके पार्लियामेंट स्ट्रीट तक, जिस लाल किला पे खड़े होके हमारे प्रधानमंत्री जी हर साल झूठ बोलते हैं, हर साल जनता के साथ गद्दारी का जो व्याख्यान है उसको वहां से वो देते हैं, और जिस पार्लियामेंट के अंदर अब जनता का वोट पाके बैठे हुए और जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उस लाल किला से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक ये मार्च होगा। दोस्तों, उसके साथ मैं और एक बात बताऊं कि हमारा जो ये यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी है, हम लोगों ने अपना समर्थन आने वाले 8-9 जनवरी को देश के मजदूर, जब पूरे देश भर में जनरल स्ट्राइक करेंगे, जो मजदूर विरोधी कानून पारित हुए हैं, जो मजदूरों के साथ दमन चल रहा है, जो उनके मेहनत के साथ जो दमन चल रहा है उसके खिलाफ देश भर के मजदूर आने वाले 8-9 जनवरी को जनरल स्ट्राइक में जाएंगे, ये यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी देश के मजदूरों के साथ भी खड़ा है। किसान, मजदूर, युवा, ये भारत को बनाते हैं, ये हिंदुस्तान को बनाते हैं। पिछले 5 सालों में आजादी के बाद सबसे कम खर्च किया गया शिक्षा में, सबसे कम। एक देश जिसने 200 साल गुलामी झेला है, एक देश जिसके पूरे पीढ़ी को पढ़ाई लिखाई करना था, एक पूरे पीढ़ी को एक आत्मसम्मान, एक सेल्फ डिपेंडेंट देश बनाना था, उस देश के युवा पीढ़ी को पढ़ाई लिखाई से बाहर निकालने के लिए आजादी के बाद सबसे कम खर्च एक सेल्फ डिक्लेयर्ड नेशनलिस्ट गवर्नमेंट करता है। बोला गया 2 करोड़ नई नौकरियां देंगे और नौकरियों का डेफिनेशन ये लोग बदलने के लिए तुले पड़े हैं। प्रधानमंत्री जी अगर बोलते हैं कि पकौड़ा बेचो तो उधर से विप्लव देव हाँक देते हैं कि पान का दुकान लगाओ, इधर से कोई बोलता था कि पंचर का दुकान लगाओ, प्रधानमंत्री जी बोलता है कि गटर के गैस से चाय बना लो। ये मजाक ये लोग करके रखे। आज हम लोग बोलने आए हैं कि 24 लाख सरकारी नौकरियों का पद खाली पड़ा है और 24 लाख बहुत कम है। 24 लाख जितने सरकारी पद अभी तक खाली पड़े हैं वो ये देश चलाने के लिए, देश के युवाओं को सम्मानजनक नौकरी देने के लिए बहुत कम है। सरकारी नौकरियों का नंबर तुमको बढ़ाना होगा, तुरंत सारे सरकारी नौकरियों के पदों को आपको भरना होगा। और ये जो फर्जीवाड़ा चलाए हुए हो नौकरी के नाम पे, स्वरोजगार, पान और पकौड़े, ये सब नहीं चलेगा। नौकरी का एक ही मतलब है, रोजगार का एक ही मतलब है। एक ऐसा देश जो आजाद है, एक ऐसा देश जो सेल्फ डिपेंडेंट है, एक ऐसा देश जो आत्मसम्मान पर विश्वास करता है, उस देश में नौकरी का एक ही मतलब है और उसका मतलब है कि सिक्योर एक नौकरी, जहां पर सम्मानजनक रोजगार मिले, जहां पर सोशल सिक्योरिटी मिले, नौकरी के बाद 60 साल का उम्र जब गुजर जाए तब पेंशन मिले, ये मांग के साथ यंग इंडिया चलेगा। हम लोग कह रहे हैं कि राइट टू डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी ए फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल द सिटीजंस इन दिस कंट्री। और अगर आप हमको ये मत सुनाओ कि हमको कुछ आता नहीं है, हम नौकरी के लायक नहीं है, ये झूठ हम लोग सुनने वाले नहीं। हमको पता है इस देश का युवा पीढ़ी किस तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तमाम
के लायक नहीं हूँ। हम नौकरी के लायक हैं, हमने पढ़ाई लिखाई किया है, हमारे पास डिग्री है और हमको उस जो वो जो हमारा डिग्री है उसका सम्मान चाहिए, हमको सम्मानजनक नौकरी चाहिए। पिछले 5 सालों में इन्होंने रोहित का इंस्टीट्यूशनल मर्डर करवाया, इन्होंने नजीब अहमद को गायब करवाया। ये चाहते थे कि रोहित के बारे में कोई ना बोले, नजीब के बारे में कोई ना बोले। रोहित और नजीब एक दूसरे के लिए बोलेंगे, पूरा युवा पीढ़ी रोहित और नजीब के लिए बोलेगा। जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है मार्जिनल सेक्शन के खिलाफ, उसको खत्म करना पड़ेगा, रोहित एक्ट लागू करना पड़ेगा। ठीक जिस तरीके से एंटी सेक्शुअल हैरेसमेंट सेल्स हम लोग सारे कैंपसेस में मांग रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल और रोहित एक्ट लागू करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे चार्टर में ये युवा भारत का सपना है। एक देश में युवा भारत के लिए क्या होना चाहिए वो हमारे चार्टर में है और वो चार्टर लेके हम लोग मार्च करेंगे। 2019 चुनाव से पहले मोदी सरकार को ये कह दिया जाएगा कि तुम्हारा फेक मशीनरी, तुम्हारा फेक न्यूज मशीनरी और तुम्हारा गोदी मीडिया हिंदुस्तान को हरा नहीं पाएगा। हिंदुस्तान भारी पड़ेगा भाजपा पे, हिंदुस्तान भारी पड़ेगा आरएसएस। दोस्तों, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगी, ये यंग इंडिया जिसको पिछले 5 सालों में तुमने लाठियां चलाई, तुमने सिडिशन का केस किया, तुमने जेल में भरा, तुमने हमारा नौकरी छीना, हमारा रोजगार छीना, आज हम लोग यहाँ से कहना चाहते हैं कि दिस यंग इंडिया इज नॉट ए लाचार इंडिया, दिस यंग इंडिया इज नॉट ए विक्टिम इंडिया, दिस यंग इंडिया इज ए फाइटर इंडिया एंड दैट फाइटर इंडिया विल फाइट बैक एंड रिक्लेम इट्स कंट्री फ्रॉम द ग्रिप्स ऑफ आरएसएस। दिस यंग इंडिया विल रिक्लेम ए डिग्निफाइड कंट्री फ्रॉम द ग्रिप्स ऑफ बीजेपी एंड लेट अस ऑल जो भी संगठन, जो भी मूवमेंट्स आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इससे भी ज्यादा संगठन, इससे भी ज्यादा मूवमेंट्स, इससे भी ज्यादा इंडिविजुअल्स, एक यंग आबादी है हमारे देश का, हम सब लोग आइए आने वाले 7 फरवरी को दिल्ली के सड़कों पर चलेंगे और 2019 के चुनाव में युवा भारत एजेंडा तय करेगा इस देश के मजदूरों के साथ, इस देश के किसानों के साथ कि हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए। ये कह के मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगी। बालाजी को शायद मीडिया ने वहाँ पे कुछ मीडिया के साथ वो बात करने गए हैं, उससे पहले बालाजी जब तक आए तब तक मैं युवा लोकायत और समाजवादी युवा संगठन के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम कुछ गाना, बहुत बढ़िया गाना, युवा भारत का गाना आप लोग सुनिए।